गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए बात करेंगे। हम कल पढ़ रहे थे जो कंट्रोल आउटलाइंस पढ़ रहे थे इंसेक्ट को कंट्रोल करने की। आज हम पढ़ेंगे जो क्या, एक तो हमने कल पढ़ा था नेचुरल कंट्रोल, है ना, उसमें सेकंड था उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ी थी हमने कि माउंटेन वगैरह है या फिर जो भी रिवर्स वगैरह है, इसके अलावा मौसम है, उसमें तापमान आ गया, नमी आ गई, तो इन सब से कैसे जो इंसेक्ट की लाइफ साइकिल है या उसकी स्टेज है जो प्रभावित होती है, या मौसम कैसे खुद बिना किसी मनुष्य के हस्तक्षेप के उसको कंट्रोल करता है इंसेक्ट की जो भी पॉपुलेशन है उसको। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेक्ट कंट्रोल। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, कृत्रिम, है ना, आर्टिफिशियल इंसेक्ट कंट्रोल। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, कृत्रिम। अब कृत्रिम जहाँ शब्द जुड़ गया, इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर ह्यूमन का पूरा पूरा क्या है, रोल रहता है, मनुष्य का पूरा रोल रहता है, और इसी के द्वारा क्या है, हम क्या करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, पेस्ट को अपनी खुद की जो है प्रोसेस अपना के या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करके अगर हम उसकी पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं या स्प्रेस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक एक करके हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स है, ठीक है, आईपीएम के कौन कौन से टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम क्या है इनको, इनसे बच सकते हैं या फिर इनको मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, आप इंसेक्ट का कंट्रोल करोगे तो कंट्रोल करने से पहले हमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या है, जो भी इंसेक्ट है उसकी टैक्सोनॉमी पता होनी चाहिए, ठीक है, उसकी टैक्सोनॉमी हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद उसकी मॉर्फोलॉजी हमें पता होना चाहिए, यानी कि उसकी कार्य की हमें पता होना चाहिए कि इंसेक्ट की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, उसके या फिर बात करें वो किस टाइप का इंसेक्ट है, कहने का मतलब बोरल टाइप है या फिर ऐसा है जो कि रस को चूसता है, कुछ होते हैं जो बाइटिंग करते हैं ना, काट के खाते हैं, कुछ होते हैं जो रस को चूसते हैं प्लांट से, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। इसके बाद फिर उसकी लाइफ साइकिल के इंसेक्ट जो है उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, उसका जीवन चक्र जो है जीवन चक्र कैसा है और कितने समय का है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम अगर बात करें तो उसकी सीजनल जो है हैबिट, जो भी इंसेक्ट है उसकी जो भी सीजनल अवेलेबिलिटी जो है, या बात करें सीजनल हिस्ट्री जो है, वो हमें पता होनी चाहिए। अब सीजनल हिस्ट्री का मतलब क्या है कि एक जो इंसेक्ट है जिसकी हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं उसका हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से सीज़न में ज़्यादा डैमेज करता है या कौन से सीज़न में इसका अटैक नहीं होता या बहुत कम होता है, तो ये सब पता होना चाहिए। अब ये जब ये सारी चीज़ें हमें पता होगी, ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा हमें, इससे क्या क्या चीज़ हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या हमें क्या पता चलेगा कि उसकी डैमेजिंग स्टेज कौन सी है, इंसेक्ट जो है उसकी डैमेजिंग स्टेज कौन सी है, यानी कि उसकी कौन सी अवस्था जीवन चक्र की कौन सी अवस्था जो है वो रियल में नुकसान पहुंचाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर है, तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में कौन सी जो लार्वल स्टेज होती है वो डैमेज करती है। अगर ऐसे ही बात करें कोलियोप्टेरा ऑर्डर जो है, तो कोलियोप्टेरा में क्या है, लार्वल प्लस क्या है जो एडल्ट हैं दोनों ही, यानी कि प्रौढ़ और लार्वल दोनों ही स्टेज के नुकसान पहुंचाती है। ऐसे ही अलग अलग ऑर्डर के हिसाब से अलग अलग है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो डैमेजिंग स्टेज हमें पता चल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें डैमेजिंग स्टेज के अलावा हमें, तो हमें क्या है इसका नेचर ऑफ डैमेज पता चलेगा। अब नेचर ऑफ डैमेज का मतलब क्या, जब हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, तो इससे क्या हमें नेचर ऑफ डैमेज का पता चलेगा, यानी कि क्षति प्रवृत्ति, हिंदी में बोलते हैं इसको क्षति प्रवृत्ति। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये डैमेज करता कैसे है, कैसे का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर होता है उसके अंदर लार्वा होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग, काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। तो काटने चबाने वाले होंगे तो ये क्या करेंगे, लीव्स वगैरह को काट के जो है ये फीड करेंगे। या बात करें हेमिप्टेरा अगर ऑर्डर है, ठीक है, एफिड जैसी थ्रिप्स वगैरह, तो ये क्या करेंगे, ये रस चूसते हैं पत्तियों से, ठीक है, वाइट फ्लाई होगी तो ये रस चूसेंगे। तो हमें क्या है इसकी नेचर ऑफ डैमेज का पता चलेगा कि वो क्षति पहुंचाते कैसे हैं, ठीक है, ये तो ठीक है लॉस कर रहे हैं लेकिन किस वे में और किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये पता चलेगा। इसके अलावा हमें क्या है इसकी वीक पॉइंट,
जो भी वीक पॉइंट होगा। अब वीक पॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पे? वीक पॉइंट का मतलब क्या है कि इंसेक्ट में उसके पूरे लाइफ साइकिल में एक टाइम ऐसा आता है या एक स्टेज ऐसी आती है जो बहुत ही वीक होती है, या उस स्ट्रक्चर में क्या है ये खुद को बचा नहीं पाता है, या फिर बात करें ये लॉस नहीं करता है उस स्टेज में। तो वो जो वीक स्टेज जो होती है उसका अगर हमें पता होगा उस वीक पॉइंट का, तो उससे क्या होगा, हम जो भी कंट्रोल मेजर अप्लाई कर रहे हैं या जो भी मैनेजमेंट के तरीके अपना रहे हैं, हमें क्या करेंगे उस स्टेज पे अपनाएंगे। तो उस स्टेज पे अपनाएंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि वो जो इंसेक्ट है वो हमें लॉस नहीं पहुँचा सकता, ठीक है, और हम उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम में क्या है, बड़ा क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जाता है आईपीएम टूल्स के नाम से, ठीक है। आईपीएम टूल्स को आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो आईपीएम टूल्स में कौन कौन सी टूल्स आती हैं वो अभी हम बात करेंगे, ठीक है सारे आर्टिफिशियल के अंदर ही। तो इसमें फर्स्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट जो है कल्चरल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल, ठीक है, कल्चरल कंट्रोल। इसके अलावा और कौन कौन से टूल होते हैं? मैकेनिकल कंट्रोल होते हैं, इसको बोलते हैं कृषक क्रियाएं, ठीक है। जो भी हम नॉर्मली फील्ड के अंदर जो भी एक्टिविटी करते हैं ना आप, वो सीड रेट हो गई, बुआई हो गई, उसको जो मिक्स क्रॉपिंग हम करते हैं या इंटर क्रॉपिंग लगाते हैं, है ना, हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया, वीडिंग करते हैं उसके अंदर, होइंग करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती है? कल्चरल कंट्रोल के अंदर। इनमें थोड़ा बहुत इनको मैनिपुलेट करके हम पेस्ट को, अगर उसकी जो भी पॉपुलेशन है उसको कम कर रहे हैं, उसमें सक्षम हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कल्चरल कंट्रोल। इसके अलावा आपके सिलेबस में मैकेनिकल कंट्रोल है, यानी कि यांत्रिक नियंत्रण, कौन कौन से वो यंत्र हैं जिनको यूज़ करके हम पेस्ट को जो लेवल है उसका इन्फेस्टेशन का उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल कंट्रोल है, भौतिक जो है विधियां हैं, इसके अलावा और भी है, बायोलॉजिकल है ना। तो एक एक करके हम सारे आईपीएम टूल्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट अगर बात करें तो हम पढ़ेंगे कल्चरल कंट्रोल को, ठीक है। अब कल्चरल कंट्रोल मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि परंपरागत तौर से, ठीक है, पहले से जो चली आ रही है परंपरागत तरीके से जो भी चीज़ें चली आ रही है उनके अंदर थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अगर हम किसी भी पेस्ट है उसके डैमेज को कम कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कल्चरल कंट्रोल बोलेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कल्चरल कंट्रोल जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं, तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कल्चरल कंट्रोल के अंदर सैनिटेशन, ठीक है। फर्स्ट अगर बात करें तो क्या है सैनिटेशन? अब सैनिटेशन को अगर हिंदी में बोलें तो इसको क्या बोलते हैं? साफ़ सफाई, ठीक है, जो साफ़ सफाई रखना हो उसको क्या बोलते हैं? सैनिटेशन। अब सैनिटेशन क्या है? है तो कल्चरल एक्टिविटी, यानी इसमें हम क्या करते हैं फील्ड के अंदर, जो फील्ड है हमारा, जो खेत है उसके अंदर जितने भी अवांछित पौधे हैं, या फिर बात करें पुरानी आपने जो क्रॉप हार्वेस्ट कर ली है उसके अवशेष बचे हुए हैं, ठीक है, या फिर वीड्स है, खरपतवार उगे हुए हैं, तो हम उनको क्या करते हैं? हटा देते हैं फील्ड से, और फील्ड को क्या करते हैं? फील्ड की पूरी सफाई रखते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सैनिटेशन। अब इससे क्या होता है और क्यों ज़रूरी है, तो इसके बारे में हम क्या है अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अभी मैंने आपको बताया कि एक चीज़, अब इसके अंदर क्या क्या शामिल करेंगे, एक तो जो भी स्टबल्स हैं, स्टबल्स को बोलते हैं अवशेष, जो क्रॉप हार्वेस्ट हम कर देते हैं यानी कि फसल की कटाई के बाद जो अवशेष बचते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टबल्स। तो इंसेक्ट में क्या होता है, कुछ इंसेक्ट में क्या होता है कि जब हम फसल, वो पहले तो मेन क्रॉप में होते हैं लेकिन जैसे ही हम फसल को काट देते हैं तो उसको हार्वेस्ट करने के बाद, काटने के बाद वो क्या करते हैं? अल्टरनेट अपना जीवन चक्र चलाने के लिए ये जो भी अवशेष बचे होते हैं इनके ऊपर आश्रित रहता है और इन पे क्या है अपना लाइफ साइकिल आगे चलाता रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अगर इनको हटा देते हैं तो उसका जो लाइफ साइकिल है वो कहने का मतलब रोक सकते हैं हम उसको, और उसको जो है किल कर सकते हैं या फिर आगे फैलने से उसको रोका जा सकता है। तो एक तो स्टबल्स हो गया, सेकंड अभी हम बात कर रहे थे मैंने आपको बताया वीडिंग, ठीक है। वीडिंग किसको बोलते हैं? खरपतवार प्रबंधन, है ना।
तो खरपतवारों को क्या है, अगर हम फील्ड से हटा देते हैं जो भी अवांछित पौधे हैं फील्ड के अंदर हमारी क्रॉप के अलावा, अगर उनको हटा देते हैं तो क्या होता है, कई बार इंसेक्ट जो है वो मेन क्रॉप के अलावा अल्टरनेट जो होस्ट होता है, ठीक है, यानी कि बाकी जो पौधे होते हैं इनके ऊपर कुछ समय के लिए आश्रित रहता है। तो हम अगर इनको हटा देंगे या फिर क्रॉप में अगर हमारी मेन क्रॉप नहीं है फील्ड में, उस कंडीशन में क्या है इनके ऊपर ये जीवित रहते हैं। तो अगर हम इनको हटा देंगे तो क्या है उनका जो नुकसान होने की यानी कि जो परसेंटेज है ना, वो कम हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे एग्जांपल की, अगर बात करें कि कौन कौन से एग्जांपल, तो एक पेस्ट है कॉटन का, कॉटन में एक पेस्ट होता है कॉटन लीफ रोलर, ठीक है, कॉटन लीफ रोलर। अब इस पेस्ट की खास बात क्या है कि ये कॉटन के अलावा, ठीक है, कॉटन कौन सी फैमिली का है, मालवेसी का, तो ये कॉटन के अलावा जितने भी मालवेसी क्रॉप्स जो होती है, ठीक है, कॉटन के अलावा जो भी मालवेसी फैमिली के प्लांट्स होंगे उन सब के ऊपर ये क्या है आश्रित रहता है। यानी कि अगर मान लीजिए एग्जांपल ये मैं बता दूं आपको, अगर कॉटन के साथ हमारे फील्ड में क्या है आसपास कहीं जो है ओकरा का फील्ड है या भिंडी का फील्ड है, तो वो क्या है, वो भी क्या है मालवेसी कुल का है, तो मालवेसी कुल का है, तो ये क्या है जब कॉटन नहीं होती तब तक उसके ऊपर आश्रित रहता है, जैसे ही कॉटन होगी तो वापस से उसके ऊपर डैमेज हो जाएगा, यानी कि इसका लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो हम अगर ध्यान रखें इस चीज़ का कि हमारा जो मेन फील्ड है उसके आसपास उससे रिलेटेड किसी फैमिली का जो है यानी सेम जो फैमिली है उसका नहीं होना चाहिए, उसकी क्रॉप नहीं होनी चाहिए, तो एक तो ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, सेकेंड है जो कॉटन लीफ रोलर हो गया, इसके अलावा फ्रूट सकिंग मौत जो है, ठीक है, फ्रूट सकिंग मौत एक पेस्ट है, फ्रूट क्रॉप में लगता है, फ्रूट सकिंग मौत। अब ये जो फ्रूट सकिंग मौत है इसकी खास बात क्या होती है कि ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक अल्टरनेट होस्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि ये किसके ऊपर रहता है, ये जो गिलोई की जो बेल होती है, सुना होगा नाम सबने, गिलोई की जो बेल होती है उस लता के ऊपर, उस बेल के ऊपर क्या है इसकी जो इमेच्योर स्टेज है या लार्वल स्टेज जो है वो रहती है। फिर जैसे ही एडल्ट बनता है तो एडल्ट क्या है बाद में आसपास जो भी गार्डन वगैरह ऑर्चर्ड वगैरह है ना, बागान वगैरह लगे हुए वहाँ पर जाके नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है तो क्रॉप किसका है, ये फ्रूट क्रॉप्स का है, बागानों में लगता है, लेकिन जब तक नहीं होगा इसका अटैक, जब तक कि वो वीड जो है वो आसपास फील्ड में हमारे नहीं है, तो ये भी है। यानी कि जब हम इन सब की सफाई करेंगे तो इनको आसानी से हम नियंत्रण कर सकते हैं। अब आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है मैं बता दूँ आपको, या तो आपको सिंपल दे देगा वो कि कल्चरल कंट्रोल है उसको डिस्क्राइब करिए। तो अब मैं जैसे जैसे पॉइंट बताऊँगा आपको, जैसे फर्स्ट सैनिटेशन हो गया, तो सैनिटेशन किसको बोलते हैं, उसमें हम क्या करेंगे ये लिखना है आपको दो लाइन में, फिर उसके एक एक आपको एग्ज़ाम्पल लिखने हैं, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्ट पूछ ले कि IPM के टूल्स कौन से, वैसे बड़ा क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे आएगा कि IPM के टूल्स कौन कौन से हैं, उसमें आपको सबके नाम लिखने हैं, कल्चरल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, है ना। अब उसके बाद वो किसी एक पर्टिकुलर का दे देगा कि इसको आपको डिस्क्राइब करना है, तो उसको डिस्क्राइब करना है। ये हो गया फर्स्ट सैनिटेशन। अब सैनिटेशन में और क्या होगा, इसके अलावा क्या होता है, कुछ इंसेक्ट जो है ना, सैनिटेशन के अंदर ही है, कुछ इंसेक्ट जो है वो क्या है, उनकी कुछ स्टेज जो है वो हाइबरनेशन में रहती है। हाइबरनेशन यानी कि सुसुप्ता अवस्था, सुसुप्ता अवस्था जो है उसके अंदर रहता है। अब सुसुप्ता अवस्था का मतलब क्या है कि डोरमेंट स्टेज जो होती है उनकी, है ना, वो किसी नुकसान नहीं करती है कुछ समय के लिए। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या है, वो इंसेक्ट कुछ समय के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को रोक लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन या सुसुप्ता अवस्था, ठीक है। तो इसकी वजह से डोरमेंसी बोलते हैं, सही में तो इसके लिए वर्ड यूज होता है डोरमेंसी, है ना। लेकिन डोरमेंसी में क्या है, आगे इसको डिस्क्राइब किया गया है कि अगर जो सुसुप्तावस्था या डोरमेंसी है वो लो टेम्परेचर की वजह से हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइबरनेशन बोलेंगे। अगर ये हाई टेम्परेचर की वजह से हो रही है, सेम चीज़ होती है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब भी इंसेक्ट क्या है अपनी एक्टिविटीज़ को रोक लेता है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। अगर लो टेम्परेचर की वजह से
तब तो उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। अगर हाई टेम्परेचर की वजह से है तो उसको क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। तो ये हो गया, यानी कि अब कुछ इंसेक्ट की क्या है स्टेज जो होती है वो कुछ समय के लिए हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में यानी कि डोरमेंसी में रहती है। तो हम जैसे ही सफाई करेंगे फील्ड की तो वो जो छुपी हुई जो भी स्टेज है उनको हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। अब हम सेकंड जो है आगे बात करेंगे वो है टिलेज प्रैक्टिसेस। फर्स्ट था सैनिटेशन, सेकंड है टिलेज यानी कि कृषि क्रियाएं, यानी कि जो हम क्रॉप लगाने के बाद बीच में जो भी उसके निराई गुड़ाई जो करते हैं वो सारे इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। अब निराई गुड़ाई में क्या आएगा इसके अंदर, जो हम निराई गुड़ाई करते हैं तो वो चीज़ें इसके अंदर शामिल की जाती है, ठीक है। इससे क्या होगा कि कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन फिक्स सोइल होती है, वो सोइल के अंदर ही उसकी लाइफ की कोई ना कोई स्टेज रहती है। तो अगर हम टिलेज प्रैक्टिसेस करेंगे, अब टिलेज प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मान लीजिए मेन फील्ड है, ठीक है। अब फील्ड ये फील्ड है, ये कोई क्रॉप का प्लांट है, इसके आसपास अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जो पेस्ट है वाइट ग्रब, ठीक है। हम बात कर लेते हैं वाइट ग्रब की, ये क्या है, मूंगफली का इम्पोर्टेंट पेस्ट है, ठीक है, महत्वपूर्ण कीट है किसका, मूंगफली का। अब ये वाइट ग्रब जो होता है इसकी एगलिंग कहाँ होती है, इसकी एगलिंग होती है सोइल में, ठीक है। सोइल में ये क्या करता है, एग्स देता है या अंडे जो दिए जाते हैं वो सोइल के अंदर दिए जाते हैं। तो हम जैसे ही निराई गुड़ाई करेंगे यानी कि क्रॉप होने के बाद समय समय पर अगर हम यहाँ निराई गुड़ाई करते रहेंगे तो जो एग्स हैं वो क्या है, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, और ये आगे नहीं बढ़ पाते। इसी प्रकार से क्या है, जो रेड हेरी कैटरपिलर है ना, वाइट ग्रब हो गया, इसके अलावा एक पेस्ट है रेड हेरी कैटरपिलर, ठीक है। ये भी क्या है, मूंगफली के अंदर लगता है, वैसे पॉलीफेगस पेस्ट है दोनों ही, और बहुत सारी क्रॉप्स के अंदर लगते हैं रेड हेरी कैटरपिलर। तो ये क्या करते हैं, रेड हेरी कैटरपिलर हो गया, ये क्या है कि इसकी प्यूपल जो स्टेज होती है यानी कि प्यूपा अवस्था जो होती है वो कहाँ रहती है, मिट्टी के अंदर, सोइल के अंदर। तो क्या होगा कि अगर हम समय समय पर निराई गुड़ाई करेंगे तो क्या है, ये जो स्टेज है निकल के बाहर आती है या डायरेक्ट सनलाइट जो है उसके टच में आती है, तो इससे क्या होगा कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा और हम बात करें जो फ्रूट फ्लाई है, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो जो फ्रूट फ्लाई होती है, फल मक्खी जो होती है काफ़ी क्रॉप्स में लगती है, बेर फ्रूट फ्लाई, और इसके अलावा बात करें तो अमरूद की फ्रूट फ्लाई होती है, इसके अलावा मैंगो फ्रूट फ्लाई। तो ये क्या है, फ्रूट फ्लाई जो होती है इसके भी क्या है, एग्स कहाँ दिए जाते हैं, एग्स दिए जाते हैं इसके सोइल के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही हम निराई गुड़ाई करेंगे तो सोइल में इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेड पंपकिन बीटल एक पेस्ट होता है, रेड पंपकिन बीटल, ये क्या है, जो कद्दू वर्गीय फसलें होती है ना, कुकुरबिटेशियन जो भी क्रॉप होती है उसका मेजर पेस्ट है, कुकुरबिटेशियस जो क्रॉप है उनका मेजर पेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, ये भी क्या है, इसकी तो खास बात ये है कि जब तक इसको नम मृदा नहीं मिल जाती है ना, वेट सोइल नहीं मिल जाती, तब तक ये क्या है, एगलिंग नहीं करता है। तो हम क्या है, ये सारे जो पेस्ट हैं यानी कि अगर इनका डैमेज हो रहा है तो हम समय समय पर अगर निराई गुड़ाई करते हैं तो इससे काफ़ी हद तक हमें क्या होता है, फ़ायदा मिलता है, या फिर बात करें हम इनको, इनके जो प्रभाव हैं इनसे बच सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो थर्ड है, ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा सैनिटेशन, उसके बाद हो गया टिलेज प्रैक्टिसेस, अब है थर्ड है टाइम ऑफ सोइंग, ठीक है। तीसरा जो है वो है टाइम ऑफ सोइंग यानी कि बुआई का जो समय है, ठीक है। सोइंग का मतलब क्या होता है, बुआई। तो हम क्या है, जो बुआई का समय है उसके अंदर कुछ मैनिपुलेट करके यानी कि उसको आगे पीछे करके हम कुछ पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि एक फिक्स टाइम होता है इस क्रॉप को इस समय बोना चाहिए, अगर उससे थोड़ा हो सकता है उस समय किसी पेस्ट जो है उसके लिए फेवरेबल क्लाइमेट हो, है ना, उसके लिए सही जो है वातावरण दशा हो तो वो उसका डैमेज ज़्यादा होगा। अगर हम इन क्रॉप को थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में यानी कि अर्ली सोइंग करें या फिर लेट सोइंग करें तो इन पेस्ट से या इनका जो डैमेज होता है वो कम होता है, इनसे बचा जा सकता है। तो
एसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो टाइम होता है शोइंग का उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, बुआई का जो समय है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, अभी मैंने जो बताया था सेम पेस्ट है, जो रेड पम्पकिन बीटल जो होता है, रेड पम्पकिन बीटल जो पेस्ट है अभी मैंने आपको बताया, क्या है ये कुकुरबिटेसियस जो भी फसलें हैं, अब इन क्रॉप्स के अंदर क्या है ये डैमेज करता है। लेकिन अगर हम इसकी अर्ली सोइंग करें, इसका डैमेज कब होता है, जो फरवरी मंथ होता है, फरवरी मंथ होता है उसके अंदर इसकी जो है डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि क्रॉप को थोड़ा अर्ली सोइंग करेंगे, अर्ली सोइंग करेंगे यानी कि जब फरवरी आए तब तक क्या है प्लांट जो है वो मैच्योर स्टेज तक यानी कि कुछ हद तक उसकी जो हाइट है या ग्रो है वो हो जाना चाहिए वो प्लांट जो है। तो इससे क्या होगा, एक तो क्या होता है अगर प्लांट स्टार्टिंग कंडीशन में है, ठीक है, अभी इमर्ज हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर कोई पेस्ट डैमेज करता है तो वो उससे बहुत जल्दी क्या है प्रभावित हो जाता है, हो सकता है उसकी ग्रोथ रुक भी जाए। लेकिन अगर प्लांट थोड़ा सा बढ़ जाए लेटर स्टेज में, अगर कोई पेस्ट है जो वो डैमेज करता है तो प्लांट जो होता है वो उसको सहन कर सकता है काफ़ी हद तक, है ना। तो हम क्या करते हैं इसकी अर्ली सोइंग करेंगे, अर्ली सोइंग करेंगे यानी कि जब तक फरवरी आए तब तक क्या है प्लांट जो है वो सहन करने वाला हो जाना चाहिए कुछ डैमेज को। तो अब क्या होगा अगर ये पेस्ट डैमेज करेगा तो ये क्या है काफ़ी हद तक रिकवरी कर लेता है या फिर जो हमें है पूरा लॉस नहीं होता, कहने का मतलब। तो ये है अर्ली सोइंग करके इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा अर्ली सोइंग का एग्जाम्पल है जो सोरगम सूट फ्लाई जो है, ज्वार के अंदर एक फल मक्खी लग जो है प्रो भेदक मक्खी लगती है सोरगम सूट फ्लाई, सोरगम सूट फ्लाई, ठीक है। तो ये जो सोरगम सूट फ्लाई है, ठीक है, इसका डैमेज कब होता है, इसका डैमेज होता है फर्स्ट वीक से लेके यानी कि 7 to 28 days, फसल बोने के 7 दिन बाद स्टार्ट होता है, विद इन 1 मंथ, एक हफ्ते तक, सॉरी एक मंथ तक होता है, एक महीने बाद इसका डैमेज नहीं होता। तो हम क्या करते हैं इसकी लेट सोइंग कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उस समय ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ जाती है, इस वजह से ये होता है। अगर हम इसकी थोड़ी सी अर्ली सोइंग करते हैं, ठीक है, सेम है इसकी भी अगर अर्ली सोइंग करते हैं तो क्या है इसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता और जब तक इसका डैमेज होता है तब तक क्रॉप जो है ये जो टाइम पीरियड होता है इसको क्रॉस कर चुकी होती है या फिर करने वाली होती है, तो इसका इतना डैमेज हमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी है, इससे भी बचा जा सकता है। इस प्रकार क्या है हम जो टाइम ऑफ सोइंग है उसके अंदर भी चेंज करके काफ़ी हद तक इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्रॉप रोटेशन की, ठीक है, फोर्थ जो है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र जो अपनाते हैं हम, क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है फसल चक्र। अब फसल चक्र अपनाएंगे, अपनाने का मतलब कैसे क्या है यानी कि सेम जो फैमिली है या स्पीशीज है उसको बार बार क्या है हम रिवाइज नहीं करते, कहने का मतलब है वैसा नहीं है कि आप लेग्यूमिनेसी क्रॉप ले रहे हैं तो हम क्या लगातार लेग्यूमिनेसी क्रॉप ही लेते रहेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो लेग्यूमिनेसियस क्रॉप के अंदर जो पेस्ट लगते हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा क्या है उनका डैमेज होगा और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, या फिर हम सिर्फ सीरियल्स यानी कि जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उनको लेंगे तब भी क्या है उनके पेस्ट बढ़ते जाएंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो लेग्यूमिनेशियस क्रॉप जो भी हैं, ठीक है, लेग्यूमिनेशियस जो क्रॉप हैं उनके बाद कौन सी लेंगे हम, सीरियल्स क्रॉप, या फिर बात करें जो नॉन लेग्यूमिनियस क्रॉप्स होती हैं उनको बोएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसके ऊपर अगर कोई पेस्ट लग रहा है तो वो इस क्रॉप के नहीं लगेगा, इसका स्पेसिफिक पेस्ट है कि सिर्फ वो लेग्यूमिनेशियस पे होता है तो वो इस पे नहीं लगता है। अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूँ जो ग्राम पॉड बोरर जो होता है वो जो है लेग्यूमिनेशियस क्रॉप में डैमेज करता है लेकिन सीरियल्स में नहीं करता। तो हम क्या है अगर इसके अंदर उसका डैमेज हो रहा है तो हम उसके बाद क्रॉप रोटेशन में क्या अपनाएंगे, सीरियल्स क्रॉप लगाएंगे, तो इससे क्या होगा उसका डैमेज जो है वो नहीं होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट है रेजिस्टेंट वेराइटी, क्रॉप रोटेशन हो गया, अब बात करें रेजिस्टेंट वेराइटीज़ की। तो कुछ वेराइटीज़ होती है जो क्या है रेजिस्टेंट वेराइटीज़, अब यानी कि कुछ जो स्पीशीज़ है क्रॉप की या फिर बात करें वैरायटीज़ जो है किस्में जो होती है
तो प्रतिरोधी किस्में वैरायटी, रेजिस्टेंट वैरायटी का मतलब क्या होता है, प्रतिरोधी किस्में। तो प्रतिरोधी किस्मों को अगर हम बोएंगे तो उससे क्या होगा कि उस जो फिक्स जो किस्म होगी है ना, उसके ऊपर उस पेस्ट का डैमेज नहीं होता है। तो अगर किसी जगह पे एक ही एक पेस्ट का बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है या हर साल हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वहाँ पे उसकी रेजिस्टेंट वैरायटी जो है वो ग्रो करते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूँ कि राइस के अंदर एक पेस्ट लगता है, राइस स्टेम बोरर, ठीक है, राइस स्टेम बोरर। अब ये जो स्टेम बोरर है, ठीक है, राइस स्टेम बोरर, अब इसका जो है डैमेज राइस क्रॉप में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, येलोइंग होने लग जाती है, डेड हेड बनता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। तो अगर हम राइस के लिए क्या है, कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो है इसका नुकसान जो होगा वो नहीं हो पाएगा या फिर उसका डैमेज ही नहीं होगा। अब वैरायटी मैं आपको बता दूँ राइस के लिए, एक वैरायटी है IR20 या फिर IR26, इसके अलावा और भी है, जया है, रत्ना है, ये सारी वैरायटीज़ क्या है, इससे रेजिस्टेंट है, यानी कि इसका जो लॉस है वो इन वैरायटीज़ के ऊपर नहीं हो पाता इस पेस्ट का, तो हम क्या है इससे आसानी से बच सकते हैं। अब इसके अलावा इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, तो है समर प्लोइंग, ठीक है, समर प्लोइंग यानी कि ग्रीष्मकालीन में हम क्या करते हैं, गहरी जुताई करते हैं, जिससे क्या है कि किसी भी पेस्ट की जो सोइल के अंदर अगर कोई छिपी हुई स्टेज होती है तो वो क्या है, हम उससे बच सकते हैं या उसका लॉस जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी है। अब समर प्लोइंग से अगर बात करें पेस्ट की, तो जो मैंने अभी बताया था आपको, रेड हेरी कैटरपिलर पॉलीफेगस पेस्ट है, बहुत सारी क्रॉप्स में लगता है रेड हेरी कैटरपिलर। तो अगर हम ग्रीष्मकालीन में गहरी जुताई करेंगे, यानी कि जब फील्ड के अंदर कोई क्रॉप नहीं हो या बहुत जून जुलाई का जो मंथ होता है, उस कंडीशन में क्या है, अगर हम अप्रैल मई जून के मंथ जो होते हैं इनके बीच अगर फील्ड खाली है, तो हम क्या करते हैं कि गहरी जुताई करते हैं। तो गहरी जुताई करेंगे, उससे क्या होगा, जो रेड हेरी कैटरपिलर, इसकी मैंने अभी आपको बताया प्यूपल जो स्टेज होती है वो क्या है, हाइबरनेशन में रहती है या सुषुप्तावस्था में रहती है। तो जैसे ही गहरी जुताई करेंगे तो इसकी जो भी स्टेज है वो सोइल के ऊपर जो लेयर होती है वहाँ पे आ जाएगी, फिर डायरेक्ट जो सनलाइट होती है उससे क्या है, ये ड्राई हो जाते हैं, इसके प्यूपा जो होते हैं वो सूख जाते हैं और इससे आगे फिर एडल्ट नहीं बन पाते, ठीक है। तो ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, इसके बाद समर प्लोइंग होगी, अब हम बात करेंगे जो सीड मटेरियल हम ग्रो करते हैं, यानी कि बुआई के लिए जो चीज़ लेते हैं, जो सीड्स लेते हैं, उनको क्या करते हैं, हम पेस्ट फ्री लेना चाहिए, यानी पेस्ट फ्री सीड मटेरियल। नेक्स्ट जो है, यानी बीज के लिए, अब सीड मटेरियल का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि अब वो चाहे सीड हो या फिर हो सकता है आप नर्सरी से कुछ प्लांट लेके आए हो पहले से और उनको ग्रो करना चाह रहे हो, तो जो भी प्लांट पार्ट को आप ग्रो करना चाहते हैं, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो पेस्ट फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर पेस्ट का डैमेज जो है वो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, जो राइजोम विविल होता है, ठीक है, बनाना के अंदर क्या है, राइजोम विविल होता है, बनाना राइजोम विविल एक पेस्ट है, ये क्या करता है, अब बनाना की ग्रोइंग कैसे होगी, बनाना जो हम लगाते हैं केले का जो की जाती है खेती, उसमें क्या करते हैं, उसके सीड्स थोड़ी होते हैं, तो उसके क्या है, राइजोम्स काम में लिए जाते हैं, ठीक है। ये जो राइजोम्स होते हैं इनको क्या है, हम आगे ग्रो करते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ से हम ये सीड मटेरियल लेके आ रहे हैं वहाँ पे पहले से क्या है, इस विविल का अटैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या है, इसके जो एग्स हैं वो इन राइजोम्स के ऊपर दिए जाते हैं, तो ये एग्स क्या है फिर इसके साथ आ जाते हैं और हम जब इसको ग्रो करते हैं तो फिर बाद में उससे क्या है, लार्वा स्टेज निकलती है और फिर क्या है वहाँ पे वो उसका लाइफ साइकिल जो है वो वापस से स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ही किस कंडीशन में होता है, पोटैटो ट्यूबर मोथ के कंडीशन में, यानी कि आलू का जो कंद भेदक जो होता है पोटैटो ट्यूबर मोथ, अब इसमें भी सेम कंडीशन होती है कि जो पोटैटो ट्यूबर मोथ जो होता है ये एग लेइंग कहाँ करता है, जो आई बर्ड जो होती है, ठीक है, आई बर्ड्स जो होती है, यानी कि मान लीजिए ये पोटैटो है तो पोटैटो के ऊपर क्या होते हैं, कुछ आई बर्ड्स निकली रहती है ऐसे, है ना,
जिनको हम क्या है पोटैटो को सीड के लिए कैसे यूज़ करते हैं कि इसको यहाँ से काट देंगे जिसके ऊपर क्या है एक टुकड़ा, जिसके ऊपर क्या है कम से कम 2 से 3 आइज होनी चाहिए, या फिर ये टुकड़ा हो गया, ये टुकड़ा हो गया, तो इनको ग्रो करते हैं। लेकिन ये पोटैटो ट्यूबरम जो है ये क्या करता है, इन आइज के ऊपर यहाँ पर क्या करता है, एग लेइंग करता है इन आइज के अंदर। तो क्या होगा, हम अगर इसको ग्रो करेंगे, यानी कि ये जो सीड है इसको आप ग्रो करोगे, तो क्या होगा कि जैसे ही क्रॉप ये उगेगा तो इसके बाद क्या है वो मेन प्लांट पे डैमेज स्टार्ट कर देंगे, इससे जो भी लार्वा वगैरह निकलेंगे, ठीक है, कैटरपिलर जो निकलेगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जो पेस्ट फ्री है वो सीड मटेरियल काम में लेना चाहिए। अब इसके अलावा बात करेंगे हम नेक्स्ट सीड रेट की, ठीक है, बीज दर जो होती है हर क्रॉप के लिए फिक्स बीज दर होती है। अब कुछ पेस्ट ऐसे होते हैं जिनका डैमेज होना ही होता है, यानी कि वो क्रॉप जो है उसके अंदर मोस्ट ऑफ उसका डैमेज मिल जाएगा, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं सीड रेट जो है उसको थोड़ा हाई रखते हैं। अब उससे फ़ायदा क्या होगा कि सीड रेट हाई रखेंगे, उसके बाद थोड़े समय बाद क्या करेंगे, उस पेस्ट का डैमेज हो जाने के बाद हम पहले से ही सीड रेट हाई रखते हैं, यानी कि प्लांट कैनोपी ज़्यादा होगी, सॉरी प्लांट नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा होंगे, तो हम क्या करेंगे जिन प्लांट्स के ऊपर इसका डैमेज हो रखा है उन प्लांट्स को हटा देते हैं या उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फील्ड से निकाल के फेंक देते हैं। तो क्या होगा, फिर हमारी जो एक्चुअल हमें जितने प्लांट चाहिए थी उतने बच जाते हैं। अगर हम पहले से ही प्रॉपर सीड रेट यूज़ करते हैं और उसके बाद उसके में अंदर डैमेज हो जाता है और उस प्लांट को अगर हम उखाड़ के फेंकते हैं तो क्या होगा कि हमारे जो प्रॉपर नंबर ऑफ प्लांट होने चाहिए पर हेक्टेयर वो नहीं रह पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो सोरगम, अभी मैंने जो आपको बताया था सोरगम सूट फ्लाई जो पेस्ट है, इसका डैमेज हमें पता है कि विद इन मंथ या थर्ड वीक तक होता है। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में सीड रेट जो है वो हाई रखते हैं थोड़ा। नॉर्मली अगर बात करें तो सोरगम के लिए 10 से 11 किलो जो है वो सीड यूज़ किया जाता है पर हेक्टेयर, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं इसको 10 से बढ़ा के क्या कर देते हैं 12 किलोग्राम कर देते हैं पर हेक्टेयर। अब क्या होगा, नंबर ऑफ प्लांट बढ़ गई, अब इसके ऊपर शूट फ्लाई का डैमेज होगा, ठीक है। इस क्रॉप के ऊपर शूट फ्लाई का डैमेज हुआ, और शूट फ्लाई का डैमेज मैंने अभी आपको बताया कब तक होता है, सिर्फ 1 मंथ तक होता है ना, विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के बाद क्या होता है उसका डैमेज नहीं होता है। तो जैसे ही थर्ड वीक आएगा है ना, आफ्टर थर्ड वीक हम क्या करते हैं कि इसको जो जिन प्लांट्स पे इसका डैमेज हो चुका है या डेड हेड बन चुके हैं जो सिम्टम दिखाई देते हैं, तो उसके बाद उस प्लांट को हम क्या करते हैं उखाड़ के फेंक देते हैं, उसको अलग कर देंगे, तो वो क्या है दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर डैमेज नहीं कर पाते हैं, और इससे क्या होगा हम उसे आसानी से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक तो सीड रेट का। अब नेक्स्ट है, फिर इसके बाद सीड रेट हो गया, अब हम बात करेंगे अर्थिंग अप की, ठीक है, 9 नंबर आ गया अर्थिंग अप। अब अर्थिंग अप का मतलब क्या है, अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना, है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको मिट्टी चढ़ाना। तो क्या होते हैं, अगर हम बात करें जो शुगरकेन की जो क्रॉप है, हम मेनली उसकी बात करेंगे, अर्थिंग कौन कौन सी जो क्रॉप है उनके अंदर किया जाता है ये पता होना चाहिए हमें ना। तो एक तो शुगरकेन हो गया, इसके अलावा जो पोटैटो की जो क्रॉप होती है उसके अंदर भी हम अर्थिंग अप करते हैं। अर्थिंग अप क्या मतलब होता है कि यानी कि शुगरकेन की जो क्रॉप होगी, ठीक है, मान लीजिए ये शुगरकेन का स्टेम है, तो हम क्या करते हैं जब इसकी जड़ें बन जाती हैं तब हम क्या करते हैं इसकी जो स्टेम होता है इसके आसपास यहाँ तक क्या है मिट्टी चढ़ा देते हैं इसको, यानी कि जो वाटर है वो डायरेक्ट टच नहीं होना चाहिए स्टेम के, यहाँ तक इसको मिट्टी जो है मिट्टी से कवर कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं अर्थिंग अप। सेम कंडीशन पोटैटो में होती है। आलू में भी क्या होता है कि कुछ कंद, यानी कि ग्रो करने के बाद जो नए कंद बनते हैं आलू के, है ना, नए जो फ्रूट बनेंगे वो थोड़ा सा क्या है कई बार एक्सपोज रहते हैं, यानी कि बाहर की ओर निकले रहते हैं, तो हम क्या करेंगे इनको मिट्टी से ढक देते हैं। अगर मान लीजिए पूरी प्रॉपर क्या है ये थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ सोइल का लेयर था, अब ये पोर्शन जो ऊपर दिख रहा है इसको हम क्या करते हैं मिट्टी से कवर कर देते हैं, यानी कि इसके जो प्लांट होगा इसके आसपास हम क्या करेंगे नीचे से इसको कवर कर देंगे मिट्टी से, इसको क्या बोलते हैं अर्थिंग अप। तो अर्थिंग अप से क्या होगा कि एक तो जो अगर हम बात करें स्पेसिफिक पेस्ट की, तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि शुगर के उनके अंदर एक विविल लगता है, ठीक है, विविल लगता है और बोरर लगता है, तो शुगर केन का जो अर्ली शूट बोरर है, ठीक है, शुगर केन का जो अर्ली शूट बोरर है
इससे बचाव के लिए, यानी अगर हम अर्थिंग अप करते हैं तो इससे हम बच सकते हैं। इसका रीज़न क्या है कि ये बोरर जो है ये डैमेज कहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से, यानी कि जो रूट्स होती है इसके जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे होल बना के इसको अंदर ही अंदर से ये क्या है फीड करते रहता है। तो अगर हम अर्थिंग अप कर देंगे यानी कि मिट्टी चढ़ा देंगे तो क्या है इसका डैमेज नहीं हो पाता है। सेम कंडीशन होती है कॉटन के अंदर, ठीक है। कॉटन में भी क्या है, कॉटन का जो स्टेम भी लगता है, कॉटन में एक पेस्ट लगता है कॉटन स्टेम वीविल, तो स्टेम नाम से ही पता है ये भी क्या है स्टेम को डैमेज करता है और जो रूट वाला जो पोर्शन होता है उसके आसपास करता है, जड़ वाला जो क्षेत्र होता है। तो हम क्या करेंगे अगर अर्थिंग अप करते हैं तो इन दोनों पेस्ट जो है इनके जो अटैक होता है इनके द्वारा उससे बच सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे डीट्रेसिंग एंड बर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है डीट्रेसिंग एंड बर्निंग, डीट्रेसिंग एंड बर्निंग। डीट्रेसिंग का मतलब क्या है, यानी कि हटाना शाखाओं को, जिन जो है शाखा है या फिर प्लांट का कोई भी पार्ट है, हो सकता है वो लीफ हो, है ना, तो उसके ऊपर क्या है अगर डैमेज हो रखा है ना, तो हम क्या करते हैं ये जो अफेक्टेड जितने भी पार्ट्स होंगे इनको क्या करेंगे हम हटा देंगे, ठीक है। अफेक्टेड पार्ट को हटा देंगे तो इससे क्या होगा कि वो जो स्टेज है जो एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर है उसको अगर हम हटा देते हैं तो फिर क्या होगा उसका डैमेज नहीं हो पाता, या फिर बात करें उसका जो लाइफ साइकिल है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूँ, जो शुगर केन के अंदर वाइट फ्लाई जो लगती है, ठीक है, एक तो कॉटन के अंदर लगती है लेकिन शुगर केन जो वाइट फ्लाई है, ठीक है, शुगर केन वाइट फ्लाई जो है अगर इसके द्वारा डैमेज हो रहा हो, है ना, तो हम क्या करेंगे जो लीव्स वाले जो अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनको क्या करते हैं हटा देते हैं, तो ये क्या होगा इसके नीफ वगैरह जो है वो आगे नहीं फैल पाते, या फिर बात करें तो दूसरी जो क्रॉप्स होती है उसके ऊपर डैमेज नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो मैंगो के अंदर होता है मिली बग जो है, ठीक है, मैंगो मिली बग जो लगता है, अब इस मिलीबग से बचने के लिए भी हम क्या करते हैं अफेक्टेड प्लांट्स ये आसानी से दिख जाते हैं, मिलीबग जो है वाइट कलर के हैं जो फ्रूट के ऊपर या फिर टहनियों के ऊपर लगे हुए दिख जाते हैं, तो हमें जैसे ही लक्षण दिखाई दे तो हम इनको क्या है वो जो भी शाखा है लीव्स है उनको काट के क्या है हम अलग कर देते हैं, जिससे क्या है इसका जो डैमेज है वो फ्रेश जो फ्रूट है या फ्रेश जो भी ब्रांच है अलग उसके ऊपर ना हो सके, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा हम अब बात करेंगे आगे जो टॉपिंग है, ठीक है, टॉपिंग एंड डीट्रेसिंग एंड बर्निंग। इसके अंदर एक आधा एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो कॉटन का जो स्पॉटेड बॉलवर्म है, ठीक है, कॉटन के अंदर एक पेस्ट लगता है कॉटन स्पॉटेड बॉलवर्म, खैर चलो ये तो उसमें अल्टरनेट होस्ट में पढ़ लेंगे अपने, इसको रहने दीजिए, ठीक है। ये हो गया डीट्रेसिंग एंड बर्निंग। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टॉपिंग, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं प्रोपिंग। अब होता क्या है टॉपिंग या प्रोपिंग, ठीक है, ये अलग अलग क्रॉप जो है उसके हिसाब से हम यूज लेते हैं, प्रोपिंग की जगह आप इसको प्रूनिंग कर लो, ठीक है, या प्रूनिंग। तो प्रूनिंग तो पता है सबको क्या होता है, कटाई छटाई, है ना। टॉपिंग क्या होती है, जो टॉप वाला जो पार्ट होता है उसको हटाना। तो क्या होता है कुछ पेस्ट में, है ना, उसकी उनकी क्या है नेचर ऐसी होती है कि वो जो प्लांट का टॉप वाला जो पार्ट होता है ना, अब वो लीफ हो सकती है कुछ भी हो सकता है, तो जो टॉप वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या है उसकी डैमेज रहता है या फिर कुछ लाइफ की स्टेज रहती है। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, राइस के अंदर जो राइस स्टेम बोरर है, ठीक है, राइस के अंदर जो स्टेम बोरर लगता है, ठीक है, राइस स्टेम बोरर, या इसको राइस येलो स्टेम बोरर भी बोल देते हैं। तो राइस का जो स्टेम बोरर है इसकी खास बात क्या है कि ये मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है, ये राइस की लीफ है, तो ये लीफ का जो टिप वाला जो पोर्शन होता है ना आगे वाला, तो ये यहाँ पे इस टिप पे क्या करती है एग लेइंग करते हैं, यानी कि एग्स देगी इसकी जो फीमेल होती है वो इस टिप के ऊपर। तो हम क्या करते हैं इससे बचने के लिए, यानी कि पहले राइस की क्रॉप कैसे ली जाती है, पहले हम इसकी नर्सरी लगाते हैं, तो नर्सरी लगाने के बाद जैसे ही प्लांट को हम मेन फील्ड के अंदर क्या करते हैं ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ट्रांसप्लांट करने से पहले क्या करेंगे ये जो टिप है इसको हम यहाँ से
काट देंगे या बात करें इसको हटा देते हैं, टिप वाला जो पोर्शन है इसको हटा देंगे, क्या बोलते हैं इसको, टॉपिंग, तो हम क्या है इसको हटा देंगे, तो जो एग्स जो होंगे है ना, एग्स बाय चांस होते भी हैं तो हम ये क्या इसके साथ उसको हटा देते हैं, उसके बाद क्या है और नष्ट कर देंगे। अब ये जो प्लांट जो हम फील्ड के अंदर लेके जाएंगे या मेन जो क्रॉप होती है, मेन जो फील्ड होता है उसके अंदर हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे, तो ट्रांसप्लांट करेंगे तब क्या है ये डिजीज सॉरी पेस्ट फ्री होंगे, यानी कि इसके ऊपर क्या है वो उस पेस्ट का क्या है ये जो स्टेम बोरर है इसका एग्स नहीं होते। अब एग्स नहीं होंगे तो इसकी आगे की जो स्टेज है वो नहीं चल पाती, या फिर बात करें उससे निम्फ लार्वा वगैरह नहीं निकलते हैं। अब ये हो गया, अब इसके बाद बात करेंगे हम इंटरक्रॉपिंग की, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग की। इंटरक्रॉपिंग, अब इंटरक्रॉपिंग का सबको पता है इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि फसल जो है मेन क्रॉप जो है उसके साथ किसी दूसरी क्रॉप को लगाना, ठीक है, मेन क्रॉप जो है उसके साथ दूसरी क्रॉप को जो हम लगाते हैं, मान लीजिए ये मेन क्रॉप है, ठीक है, अब इसके अंदर बीच में किसी दूसरी फसल जो है उसकी अगर हम लाइंस ग्रो करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं इंटरक्रॉप, ठीक है, साथ साथ सस्य फसल, हिंदी में पता मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं, तो इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, मेन जो क्रॉप होती है उसके बीच में हम क्या करते हैं दूसरी जो क्रॉप होती है उसकी लाइंस लगा देते हैं। अब ये क्या होता है, कुछ जो क्रॉप होती है उनके लिए तो हम ये ग्रो करते हैं, यानी कि हमें इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए तब कुछ पेस्ट नहीं लगते, कोई पेस्ट ऐसा होता है जो इंटरक्रॉपिंग करने की वजह से ज़्यादा आता है तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें जो कॉटन के अंदर, मैंने अभी आपको बताया एक पेस्ट होता है स्पॉटेड बॉलवर्म, है ना, कॉटन में क्या होता है स्पॉटेड बॉलवर्म जो है, ठीक है, अब ये जो स्पॉटेड बॉलवर्म लगता है कॉटन के अंदर, ये क्या है कि कॉटन कौन सी कुल का है, मालवेसी फैमिली का है ना, अभी हमने बात की थी कॉटन क्या है मालवेसी फैमिली का। अगर हम कॉटन के साथ आप भिंडी जो होती है, ठीक है, ओकरा की जो क्रॉप होती है अगर इसको ग्रो करोगे तो क्या ये भी मालवेसी का है और ये भी मालवेसी का है, तो इस कंडीशन में क्या होता है इसका जो पेस्ट का डैमेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, पॉपुलेशन जो है उसकी ये बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, अवॉइड यानी कि देखना चाहिए कि आसपास या फिर साथ में हम क्या इनकी इंटरक्रॉपिंग नहीं करें। अब ऐसे ही अगर हम बात करें तो लबलब जो क्रॉप होती है, जो दलहनी फसल है, उसको हम क्या करते हैं अगर सोरगम के साथ, ठीक है, सोरगम के साथ अगर हम प्लस में क्या है लबलब जो क्रॉप होती है दलहनी फसल है इसको अगर ग्रो करते हैं, ठीक है, इसको इंटरक्रॉपिंग में हमें क्या है लेना है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सोरगम का जो स्टेम बोरर होता है, ठीक है, मेज या सोरगम का जो स्टेम बोरर होता है उसका डैमेज क्या है नहीं हो पाता, ठीक है, इसका डैमेज नहीं होता है जब हम सोरगम को इस क्रॉप के साथ बोते हैं। तो ऐसा ही इसमें तो क्या है बेनिफिट है, हमें फ़ायदा है बोने में, इसमें क्या है नुकसान है, क्योंकि इसमें करेंगे तो क्या होगा फिर जो पेस्ट का डैमेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो अभी मैंने बताया था आपको अल्टरनेट होस्ट का, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेट होस्ट। अल्टरनेट होस्ट कैसे मैं बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेट होस्ट। अब अल्टरनेट होस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि कोई पेस्ट जो है, ठीक है, अगर कोई पेस्ट लग रहा है और उसके लिए क्या है उसके, यानी कि जब हम मेन क्रॉप नहीं हो, ठीक है, एग्जांपल के लिए चलो मैं एग्जांपल के साथ ही चलते हैं तो थोड़ा इजी याद हो जाएगा, ठीक है, तो कॉटन के अंदर क्या होता है जो अब ग्राम पॉड बोरर जो होता है, ठीक है, ये एक पेस्ट का ध्यान रखना नाम ग्राम पॉड बोरर जो होता है, अब ये क्या है इसका नाम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पेस्ट है इसका हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। अब ये ग्राम में तो लगता है इसका मेजर पेस्ट है, लेकिन इसके साथ साथ ये किस में लगता है कॉटन में लगता है, ठीक है, इसके अलावा जो टोमेटो जो क्रॉप होती है उसके अंदर लगता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा है ना, टोमेटो में भी लगता है, इसके अलावा ये क्या है ब्रिंजल में भी लग जाता है। अब क्या होगा इस कंडीशन में,
ये जो अगर ये पेस्ट लग गया कॉटन क्रॉप के अंदर, ठीक है, कॉटन के अंदर ये पेस्ट लग गया, अब वहाँ पे यानी कि कॉटन के बाद क्या है, हम टोमेटो की क्रॉप लेंगे। अब टोमेटो की क्रॉप लेंगे तो इससे जो भी इसके एडल्ट्स वगैरह होंगे वो क्या करेंगे, इस टोमेटो क्रॉप्स के ऊपर आके अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने लग जाएंगे, या फिर जो ब्रिंजल की क्रॉप है इसके ऊपर अपना जीवन चक्र चलाते रहेंगे। तो ये इसके लिए मेन क्या होगी, मेन क्रॉप तो इसकी होगी कॉटन, लेकिन क्या है इसके लिए ये क्या हो गए, अल्टरनेट होस्ट हो गए, है ना, यानी कि अल्टरनेट क्या है, पोषी हो गए, जिनसे ये क्या है अपना पोषण प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जो मेन क्रॉप है उससे रिलेटेड अगर वो पेस्ट किसी और क्रॉप में लगता है तो वो जो क्रॉप है वो एज ए होस्ट वहाँ पे मौजूद नहीं होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब जो है आसपास के फील्ड में वहाँ पे वो क्रॉप जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा जो कॉटन स्पॉटेड बॉलवर्म है, एक तो ये हो गया, अब इसी कॉटन के अंदर ही क्या है, स्पॉटेड बॉलवर्म इरिश विटेला जो अभी हमने पढ़ा था, नेक्स्ट पिछली जो टॉप जो था यानी कि इंटरक्रॉपिंग का था, इसी के अंदर जो मैंने बताया था कॉटन स्पॉटेड बॉलवर्म जो है। अब इसकी खास बात क्या है कि ये भी मालवेसी की बात हो रही है, मालवेसी की बात हो रही है, और इसके साथ साथ क्या क्या है, कौन सी क्रॉप पे, अभी मैंने आपको बताया ओकरा पे भी लग सकता है, तो ओकरा इसके लिए क्या हो गया, एज ए अल्टरनेट होस्ट हो गया। ठीक है, अल्टरनेट होस्ट हो गया, यानी कि ये कॉटन के साथ साथ क्या है, ओकरा अगर इसको मिल जाए एज ए होस्ट तो यहाँ भी अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है। तो ये ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पे जो हमारी मेन क्रॉप जो है वहाँ पे क्या है, कोई भी अल्टरनेट जो है होस्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल और देख दो कि जो ग्राउंड नट के अंदर, अभी मैंने आपको बताया ग्राउंड नट के अंदर रेड हेरी कैटरपिलर लगती है, ठीक है, रेड हेरी कैटरपिलर जो लगती है ग्राउंड नट के अंदर, ये क्या होती है, जो कैलोट्रोपस जो होता है, यानी कि जो आँख जो होता है ना, कैलोट्रोपस क्या होता है, आँख, तो इसके ऊपर क्या है, इसको एज ए अल्टरनेट होस्ट यूज़ करती है। ठीक है, यानी कि अगर वहाँ पे आग के पेड़ मौजूद है, सॉरी आग के प्लांट्स अगर वहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, उनके ऊपर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, या अपना लाइफ साइकिल जो है वो चला सकता है आगे, अगर मेन क्रॉप यानी कि ग्राउंड नट की क्रॉप नहीं है, तो ये इसके लिए अल्टरनेट होस्ट हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अल्टरनेट होस्ट जो है उसको हमेशा फील्ड से जो है वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रैप क्रॉप की, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है ट्रैप क्रॉप। अब ट्रैप क्रॉप किसको बोलते हैं, इसमें हिंदी में इसको शायद पांसू, पता नहीं फांसू फसलें बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ट्रैप क्रॉप ही बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रैप क्रॉप क्या होती है कि मेन जो क्रॉप है, ठीक है, यानी कि फसान एज ए ट्रैप हम इसको यूज़ करते हैं, जाल, ट्रैप का मतलब समझते हो जाल, तो ये क्या, हम इसको जाल के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि हम जो इंसेक्ट है उसको पकड़ने के लिए क्या है इसको यूज़ करते हैं। अब वो कैसे, अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि जो सरसों की जो क्रॉप है, ठीक है, मस्टर्ड जो है, ठीक है, अब इसका अगर डैमेज, मस्टर्ड के अंदर पेस्ट लग रहा है कोई, ठीक है, मस्टर्ड के अंदर कोई पेस्ट लग रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके आसपास कौन सी क्रॉप लगा देंगे, यानी कि जो फील्ड होगा, मान लीजिए ये मस्टर्ड का फील्ड है, तो इसके आसपास यहाँ पे किनारों पे क्या करते हैं हम, केबेज या कॉलीफ्लावर, क्योंकि सेम फैमिली के हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, केबेज या फिर कॉलीफ्लावर, यानी कि जो गोभी जो होती है, फूल गोभी या पत्ता गोभी, केबेज या कॉलीफ्लावर जो होती है, इसकी क्रॉप लगा देते हैं। अब इससे क्या होगा कि इसके ऊपर जो डैमेज होगा, ठीक है, डायमंड बैक मॉथ जो होता है, जिसका डैमेज होता है इसके ऊपर, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही इस मस्टर्ड क्रॉप को लगाएंगे इसके चारों ओर, ठीक है, या तो ये मेन क्रॉप है तब तो इसको यूज़ करेंगे ट्रैप क्रॉप के रूप में, अगर ये मेन क्रॉप है तो इनको ट्रैप क्रॉप के रूप में यूज़ करेंगे। तो इनको लगाने पर सेम फैमिली की है, अब सेम फैमिली के हैं तो क्या है, जो डायमंड इस पर अटैक होता है, डायमंड बैक मॉथ एक पेस्ट होता है, डायमंड बैक मॉथ, अब ये डायमंड बैक मॉथ जो है अगर ये डैमेज करेगा, यानी कि हमारी मेन क्रॉप तो बीच में है, अगर इसका डैमेज होगा भी तो कहाँ होगा, आसपास हमने एक या जो दो लाइनें लगा रखी है
उसके ऊपर डैमेज होगा, और जैसे ही उसके ऊपर डैमेज दिखाई दे तो हम इन प्लांट्स जो होते हैं इनके ऊपर कोई भी केमिकल्स वगैरह का स्प्रे करके या इनको यहाँ से उखाड़ के हम उनको नष्ट कर सकते हैं ताकि वो मेन क्रॉप तक ना पहुँचे। ठीक है, तो यह हो गया ट्रैप क्रॉप हो गया। इसके अलावा इसके साथ साथ क्या है, जो कॉटन जो होती है, ठीक है, कॉटन जो होती है उसके अंदर क्या करते हैं हम कैस्टर को, यानी कि अरंडी की जो फसल होती है उसको एज ए ट्रैप क्रॉप लगाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो स्पॉटेड बॉलवर्म जो है ना, स्पॉटेड बॉलवर्म का अटैक होगा तो वो इस क्रॉप के ऊपर होगा, ना कि हमारी मेन क्रॉप के ऊपर। और जब ट्रैप क्रॉप के ऊपर ये दिखाई दे तब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय स्प्रेइंग और बाय इसको हटा के या वहाँ से रोगिंग करके इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रैप क्रॉप। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर मैनेजमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट, यानी कि पानी जो हम फील्ड के अंदर देते हैं, सिंचाई का जो वाटर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं क्रॉप को, उसके अंदर कैसे क्या किया जाए, बदलाव किया जाए कि हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेनली जो यूज होता है, ये यूज होता है रेड हेरी कैटरपिलर के लिए। ठीक है, जो RHC मैंने बताया था, रेड हेरी कैटरपिलर जो होता है, इसके लिए क्या करते हैं हम वाटर मैनेजमेंट करते हैं। वाटर मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम, क्या करते हैं इसको अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग, यानी कि और नहीं यहाँ पे एंड लिख लो, एंड अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, यानी कि हम क्या करेंगे फील्ड के अंदर एक बार तो पानी देंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे, फिर एकदम से दोबारा पानी देंगे। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में ये जो रेड हेरी कैटरपिलर जो होता है इसका काफ़ी हद तक हम क्या है मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो है ब्राउन प्लांट हॉपर जो है, ठीक है, रेड हेरी कैटरपिलर नहीं, सॉरी, ये क्या है यहाँ पे ब्राउन प्लांट हॉपर कर लेना। वाटर मैनेजमेंट से किसका करते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर, राइस के अंदर ब्राउन प्लांट हॉपर जो होता है उसको मैनेजमेंट किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग से, रेड हेरी कैटरपिलर को नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये जो ब्राउन प्लांट हॉपर होता है ना, तो इसकी हेमिप्टेरा ऑर्डर का है, ये क्या करता है पत्तियों का रस चूसता है। ठीक है, रस चूस के उसको ख़त्म करता है। लेकिन क्या होता है इसका जो एडल्ट या फिर बात करें प्यूपल जो स्टेज होती है वो तो सॉइल के अंदर ही होती है। तो हम क्या है जैसे ही अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग करेंगे उस कंडीशन में क्या होती है वो स्टेज जो है वो ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है इस प्रकार इसको हम कर सकते हैं, यानी कि इसके द्वारा मैनेज कर सकते हैं जो ब्राउन प्लांट ऊपर होता है इसके। इसके अलावा क्या होता है जो प्लांट केनोपी है, यानी कि स्पेस जो होता है क्रॉप के ऊपर, अगर हम वो स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा दें तब भी क्या है इस पेस्ट का ब्राउन प्लांट होपर जो होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि स्पेसिंग के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, तो ज्यूडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स या न्यूट्रिएंट लिखेंगे, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब ज्यूडिशियस यूज़ का मतलब क्या है, यानी कि उसकी जो मात्रा हम जो डोज क्रॉप के अंदर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कुछ पेस्ट ऐसे होते हैं जो अगर आप नाइट्रोजन को बढ़ा दें, यानी कि फील्ड के अंदर अगर आप नाइट्रोजन ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं क्रॉप के अंदर या पोटेशियम या फास्फोरस ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कुछ पेस्ट जो इमर्ज हो जाते हैं या उनका जो डैमेज होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, उसकी जो एप्रोप्रिएट मात्रा है, जो उचित मात्रा जो होता है, जुडिशियस यूज़ ही हमें उसका करना है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ फर्टिलाइज़र का। तो ब्राउन प्लांट होपर जो होता है, ये जो अभी हमने ऊपर बात किया है ब्राउन प्लांट होपर प्लस क्या है लीफ फोल्डर, दो पेस्ट हैं ब्राउन प्लांट होपर, BPS लिख रहा हूँ मैं इसको, ब्राउन प्लांट होपर एंड लीफ रोलर, ये भी क्या है राइस का एक पेस्ट होता है जो क्या करता है जो पत्तियां होती है उनको रोल करके यानी उनको मोड़ देता है। तो इनका जो डैमेज है वो क्या है, अगर आप नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं या फिर पोटेशियम की जो मात्रा है उसको बढ़ा देते हैं, तो इसका जो डैमेज है वो बढ़ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं ध्यान रखना चाहिए कि नाइट्रोजन का जो है वो
एक्स्ट्रा जो डोज हम है वो नहीं दें, यानी कि उचित मात्रा जो है वो ही क्रॉप के अंदर डालनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्वेस्ट की। ठीक है, तो टाइमली हार्वेस्ट करना चाहिए। कुछ पेस्ट जो होते हैं, अगर हम क्रॉप की टाइमली हार्वेस्ट कर लें तब क्या है उससे बचा जा सकता है। अब वो कौन कौन से पेस्ट है, एक तो हो गया स्वीट पोटैटो वीविल, यानी कि स्वीट पोटैटो की जो क्रॉप होती है उसके ऊपर क्या है एक वीविल लगता है। अब ये वीविल जो है इसको अगर हम टाइमली अगर हार्वेस्ट कर लें तो इसका डैमेज नहीं होता है। अब कैसे वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा पोटैटो ट्यूबर मोथ हो गया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसके जो एडल्ट होते हैं वो हार्वेस्टिंग के टाइम यानी कि हार्वेस्टिंग से जस्ट पहले क्या करते हैं कि इसके जो पोटैटो स्वीट पोटैटो जो है इसके जो कंद होंगे या फिर आलू जो है इसके जो कंद होंगे फ्रूट होंगे उसके ऊपर क्या करते हैं एगलिंग कर देते हैं। ठीक है, अब ये फ्रूट के ऊपर क्या है अगर एग्स देंगे तो ये एग्स बाद में क्या है फिर हमारे अगर हम इनको स्टोर करते हैं तो वहाँ तक आ जाते हैं और फिर स्टोर ग्रह में क्या है इसको नुकसान पहुँचाते रहते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो टाइमली अगर हम हार्वेस्ट कर लें तो इन पेस्ट से बचा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा और है पल्स बीटल भी ऐड कर लेना है इसके अंदर, एक पोटैटो ट्यूबर मोथ हो गया, पल्स बीटल हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है ये जो है इनसे हम बच सकते हैं अगर हम टाइमली हार्वेस्ट कर देते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और लिख लो नेक्स्ट, रेटूनिंग। ठीक है, अब रेटूनिंग जो है, रेटूनिंग सबको पता है क्या होता है, रेटूनिंग क्या होता है कि जब हम किसी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं और फिर वो जो स्टबल बचता है उसी से अगर कोई दूसरा जो है क्रॉप सेम नेक्स्ट सीजन जो आएगा अगर उसी जो स्टबल बचा है या जो प्लांट मटेरियल बचा हुआ है उससे अगर नया प्लांट ग्रो करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं रेटूनिंग। तो रेटूनिंग मेनली किस में होती है, शुगर केन में, शुगर केन में यूज़ किया जाता है। तो शुगर केन में क्या करते हैं हम हार्वेस्ट करने के बाद उन स्टबल्स को छोड़ देते हैं, फिर क्या है फर्टिलाइज़र सप्लाई करके और वाटर वगैरह जब फील्ड में अप्लाई करते हैं तो उसी से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए इस शुगर केन की क्रॉप पे पहले कोई पेस्ट था, ठीक है, अब वो क्या है रेटून क्रॉप जो होती है स्टबल्स जो होते हैं उसके ऊपर चालू हो जाएगा और उसी पे उसकी स्टेजेस रहेगी और जैसे ही नया प्लांट ग्रो होगा वो उसके ऊपर डैमेज स्टार्ट कर देगा। इसलिए हमें क्या है जो रेटूनिंग जो होती है उसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, रेटूनिंग नहीं लेनी चाहिए, रेटून क्रॉप नहीं लेनी चाहिए। या फिर अगर शुगरकेन की बात करें तो इसमें लगभग एक रेटून जो क्रॉप है उसको ऐसा माना जाता है कि एक रेटून क्रॉप है वो सफिशियंट है हम ले सकते हैं, वो भी अगर डैमेज नहीं हो किसी पेस्ट का। तो अगर पेस्ट का डैमेज हो रहा तो हम क्या करेंगे जो पेस्ट फ्री डिजीज मटेरियल है या नए अगर सीड्स की बात करें है ना उनको यूज़ करते हैं ग्रो करवाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कल्चरल कंट्रोल कम्प्लीट। ठीक है, अब कल्चरल कंट्रोल कम्प्लीट हो चुका है, इसके बाद नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे एक एक करके नेक्स्ट जो है यानी कि मैकेनिकल मेथड जो है, फिजिकल मेथड है, बायोलॉजिकल है, केमिकल है, उनका एक एक करके उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, ये कल्चरल कंट्रोल जो है इसको पढ़ लेना भी अच्छे से। आपको क्या करना है, बस ये जो मैंने चीज़ें बताई है इनके बारे में लिख के एग्जाम्पल ज़रूर लिखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।